गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है, थंबनेल देख के ही आप आज का ये वीडियो देखने आए होंगे। सो यस, बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, आई एम प्रेग्नेंट। एंड मेरी भगवान भोले जी से यही प्रार्थना है कि जो भी कपल्स कंसीव करने का ट्राई कर रहा है, भगवान उन सब की सुने, उन सब को ये खुशी दे। क्योंकि इस टाइम पे मैं क्या महसूस कर रही हूँ इसको शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि बेस्ट फीलिंग है ये। एंड इतनी सारी चीज़ें अभी हो रही है, मतलब जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है, बेबी अभी आया भी नहीं है, इतने सारे नए रिश्ते बन गए हैं, मैं मम्मा बनने जा रही हूँ, राज पापा बनने जा रहे हैं। मुझे तो अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा सच में हो रहा है। कोई नाना बन रहा है, नानी बन रहा है, दादा बन रहा है, दादी बन रहा है, बुआ बन रहा है, मामा बन रहा है, मतलब इतने सारे नए रिश्ते बन गए हैं, जिसके बारे में सोच सोच के इतना अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हो रहा है। क्योंकि हमारी शादी को 4.5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, जब तक ये चीज़ होगी बेबी आएगा तब तक 5 ईयर्स भी हो जाएंगे, उसी मंथ की डेट है मेरी। तो इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हो रहा है। क्योंकि शादी के बाद वेट तो सबको ही होता है, और जब गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वेट भी सबको बढ़ जाता है कि कब होगा कब होगा। फाइनली ये चीज़ हमारी लाइफ में भी हो रही है। एंड जिस तरीके से मेरे मायके एंड ससुराल की दोनों फैमिलीज में सभी को पता है, उसी तरीके से मैं चाहती थी मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है उसे भी पता हो। भले ही हमारी फैमिली अभी थोड़ी छोटी है, बट आई नो एक ना एक दिन ये भी ज़रूर बड़ी होगी। और इसीलिए फाइनली मैं आज आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी 3 मंथ्स कंप्लीट होने का, क्योंकि शुरू के जो 3 महीने होते हैं आप सभी को पता है वो थोड़े से रिस्की होते हैं, और हमारे बड़े लोग हमें मना भी करते हैं कि इस टाइम पे ऐसा कुछ भी मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो। तो बस मैं वेट कर रही थी कि जैसे मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो ऐसे मैं आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करूँ। एंड सॉरी, थोड़ी सी मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अभी तक के जो 3 महीने थे मेरे, कैसे गए, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आज ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आगे की जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी है, मैं किस तरीके से क्या क्या कर रही हूँ, क्या मुझे डॉक्टर ने बोला है, क्या खा रही हूँ, किस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी जा रही है, ये चीज़ सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा सा फंबल मैं कर रही हूँ। तो अब आपके साथ में सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। मैं हमेशा प्रॉमिस करके जाती हूँ आप लोगों से कि वीडियोस आएंगे, बट सच में ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता। आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो मार्च में था, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता ही रहता है कि मैं नहीं बना पाती। बट अब आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियोस मैं शेयर करूंगी किस किस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहता है, हर किसी ने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि हम ये करेंगे। उसी तरीके से मैंने भी कुछ चीज़ें सोच रखी है, राज ने भी सोच रखी है कि हम ये करेंगे। तो बस ये है कि सब चीज़ें अच्छी हो, जिस तरीके से अभी सब कुछ अच्छे से हुआ है आगे भी उसी तरीके से सब अच्छा हो। तो अब आप लोगों के साथ प्रॉपर वीडियोस में शेयर करूँगी किस किस तरीके से हमने क्या क्या किया अपने बेबी के लिए, क्या क्या चीज़ें करी, प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।